you Salamu alaikum. This is Mohammed Hashim Zay, and you guys are watching Methalix by Hashim Zayya. बहुत सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन कंटिन्यूसली आजकल पूछ रहे हैं सर आईबीए के ऊपर कोई गाइडेंस वीडियो बताएं सर आईबीए का राउंड वन अभी हुआ है उसके अंदर हमारे टेस्ट के मार्क्स बहुत कम आए हैं तो सर किस तरीके से राउंड टू में हम इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर कोई गाइडेंस दे दें आप सर आईबीए बी का बीबीए का सिलेबस क्या है और सी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से तो बताइए सीएस का सिलेबस क्या होगा या इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन हमसे क्या हो सकते हैं तो इन तमाम चीजों के ऊपर एक छोटी सी गाइडेंस वीडियो तमाम लोगों के लिए पेशा खिदमत कर देता हूँ अच्छा मेरी रिलिवेंसी क्या है भाई अलमदुल्ला जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए कि बेटा मैं खुद एक आई बी ड्रॉप आउट हूँ और इसके अलावा इंजीनियर बाई प्रोफेशन हूँ एंड थर्डली कराची के दो बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जो कि मेजर जाइम्स हैं उनके अंदर आई बी ए सी एस की और आई बी बीबीए की क्लासेस बड़े अरसे तक लेता रहा हूँ चाहे वो उनके जौहर कैंपस हो तो, डिफेंस कैंपस हो तो या गुलशन की हो बट अगेन अब मैं छोड़ चुका हूँ उस चीज को उसके पीछे रीजन ये कि नाउ आई एम फोकस ऑन मई यूट्यूब चैनल और मैं चाहता हूँ कि भाई वो चीज वो कॉन्टेंट जो शायद पैसे लेके डिलीवर करवा रहे होते थे हम लोग मैं चाहता हूं कि यार मैं अपनी चैनल के थ्रू वो तमाम स्टूडेंट्स को अचीव कर सकूं उनके ख्वाबों को उनको उनके ख्वाब दिलवा सकूं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते पैसों को भी तो मेरी एक छोटी सी काबिश है एक ख्वाहिश है तो मैंने तभी अपने चैनल के ऊपर तमाम के तमाम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करा हुआ है चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो इंग्लिश का कोई मटेरियल हो चाहे कोई भी चीज हो चाहे वो कोई किसी किस्म के टेस्ट वगैरह हो इन सो ऑन

उस टॉपिक टॉपिक को कवर अप करने है। ताकि अगर अगर अगली बार वो आ जाए तो आपने उसको किस तरीके से से फाइट बैक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और अगेन मैं एक बात इस सवाल के उपर, सवाल के ऊपर अगले पे जाने से पहले कि भाई अगर आपका राउंड वन के नंबर कम आए की बात नहीं है शह सवारी तो क्या करे जो घुटनों के बल चले आपने

अच्छा एक सेक्शन होता है हमारे पास इंग्लिश का एक सेक्शन होता है हमारे पास मैथ्स का तीसरा सेक्शन भी होता है एस का मगर वो सिर्फ कुछ रिलेटिव डिपार्टमेंट्स uh, के लिए कंपलसरी है जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया उसके लिए एस आपको देना जरूरी होता है बट बाकियों के लिए इंग्लिश और मैथ्स कंपल्सरी ऐसे बीबीए के लिए आपको इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे कहां से क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो पोर्शन होता है आईबीए के अंदर मेरा बेटा वो 45 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के अंदर भी 45 होते हैं। number, एक के इंग्लिश एक 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 अच्छा, को अगर हम ब्रेक डाउन करें देखो इंग्लिश का पोर्शन बहुत ही सिंपल होता है आईबीए के अंदर आपको कुछ रिलेटिव टॉपिक्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड देन आपने सिंपल चीजों को बहुत तरीके से सॉल्व करना है आपको ये तमाम मटीरियल मेरी स्टडी मटीरियल ड्राइव में मिल जाएगा ड्राइव वाइज टॉपिक वाइज फोल्डर वाइज आपने उसको घोल के पी जाना है देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वोकैब्स वोकैब्स का मतलब क्या सर्टेन लिस्टें हैं जो मैंने प्रोवाइड करी हुई है आपने उन वोकैब्स को याद रखना है उन वोकैब्स के जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज में वोकैब्स के डायरेक्टली क्वेश्चन है बहुत दफा फॉर एग्जाम्पल वोकैब्स का मतलब सपोज छोटी सी है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का और नाम क्या हो सकता है प्रीटी है ना भाई इस तरीके से वोकैब्स होती है काफी सारी वोकैब्स याद करने का फायदा ये होता है कि यार कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी पोएम्स के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी

कि आपके पास ग्रामेटिकल चीजों को करने के लिए आ जाएगा आपके पास सिंपल प्रपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास सिंपल तरीके से कोई आ... स... एरर होगा आपसे कहा जाएगा रेक्टिफाई करो उसको तो इस तरीके के क्वेश्चन ग्रामेटिकल के अंदर आ रहे होते हैं एमसीक्यूज देन कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि मेरे प्यारे बच्चों को आपको कंप्लीट गिवन होगा आपसे कहा जाएगा कि उससे आपको कुछ एमसीक्यूज को कुछ क्वेश्चन को फाइंड करके निकालना है तो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी होती है अच्छा इसके तरीके क्या होता है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को काइंडली अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो कोशिश करें रोज दिन में एक न्यूज़पेपर का कोई भी दो आर्टिकल तीन आर्टिकल लाजमी पढ़ें इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप गल्फ न्यूज पढ़ें आप दी न्यूज पढ़ें आप डॉन न्यूज पढ़ें बट लाजमी पढ़ें रिमेंबर दिस थिंग अच्छा देन क्लोज टेस्ट इज ऑबवियसली ऑल अबाउट कि यार आपके पास एक पर्टिकुलर सेंटेंस करेक्शन के और इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे वही क्लोज टेस्ट के मायने जंबल सेंटेंसेस के अंदर अगेन सेंटेंस करेक्शन एंड सो ऑन सेंटेंस कंप्लीटिशन कि आपके पास सिंपल कुछ अल्फाज गायब होंगे आपको उसके अंदर ग्रामेटिकल चीजें और चीजों को चेक करके पुट करना होगा तो जो इंग्लिश का सेक्शन होता है रिलेटिवली काफी uh, एक शॉर्टली सेक्शन है एक शॉर्ट सेक्शन है एक अगर मैं उसको तो बहुत एक सिंपल सेक्शन है बेसिक ग्रामर के ऊपर काफी खेला जा रहा होता है बेसिक चीजों पे काफी खेला जा रहा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश के सेक्शन में वो कॉम्प्रीहेंशन है और एक और चीज जो अब से आई के पैटर्न में पूछी जा रही है वो है पोयम्स आई के अब पैटर्न के अंदर पोएम्स का पार्ट बहुत ज्यादा आता है पोयम्स कैसी होंगी लेट सपोज विलियम शेक्सपियर की आपको पोयम के दो दोवे है या दो पैराग्राफ्स आपको घिवे है आपसे कहा जाता है कि भैया आपको तीन चार क्वेश्चन घेबे होंगे कि इसमें बताइए ही

इससे आपकी वोकैब्स इंक्रीज होंगी इससे आपकी रीडिंग इंक्रीज होगी इससे कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट में बहुत इजी रहेगा बहुत दफा ऐसा होता है कि पंद्रह पंद्रह बीस बीस एमसीक्यूज कॉम्प्रीहेंशन से लिंक कर रहे होते हैं चार चार एमसीक्यूज पोएम से लिंक कर रहे होते हैं तो देखो अगर रीडिंग आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी रीडिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली कॉम्प्रीहेंशन को आप इजिली क्रैक कर सकते हो ऑल्सो आई एम मैथमेटिक्स मैथमेटिकल टीचर बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंग्लिश को ध्यान से देखिएगा आपको कट ऑफ दोनों क्लियर करने आईबीए का टेस्ट पास करने का सबसे बेसिक असूल ये होना चाहिए कि आपको मालूम हो कि आपको इंग्लिश का कट ऑफ भी पास करना है आपको मैथ्स

ये मैंने आपको इंग्लिश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया किस तरीके से इंग्लिश का होता है अच्छा रिसर्स के अंदर जो आईबी ने अपने पैटर्न को एक थोड़ा सा मॉडिफाई करा वो ये करा कि पोएम्स के क्वेश्चंस उसने बहुत सारे डाले अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना देखो बहुत सा मटेरियल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा हुआ है बहुत सा मटेरियल मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ देखो लेट सपोज आपको वोकैब्स की प्रैक्टिस करनी है आप सिंपल गूगल पे जाके लिखो वोकैब्स फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट आपके बाद बेतहाशा चैनल आ जाएंगे बेतहाशा साइट्स आ जाएंगे यू कैन इजिली प्रिपेयर फॉर दो आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है आप

जाए थोड़ी सी है, जब आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से करना है देन आप सिंपल आईबी के पास पेपर ज्यादा से ज्यादा बैठ के सॉल्व करो तो इंग्लिश के सेक्शन को आप इजिली निकाल सकते हो अब वाइल कमिंग ऑन दी मैथमेटिक्स सेक्शन तो भाई मैथ्स के सेक्शन को थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ मेरे प्यारे शागिद मैथ्स का कोई भी जाती तौर पर पे पैटर्न नहीं होता आई के अंदर हमने ऐसा भी देखा दो से पहले कि भाई मैथ्स का जो सेक्शन था वो मेनली डिपेंड कर रहा था ए लेवल्स ओ लेवल्स के मैथ्स के ऊपर बट अब इंटरमीडिएट के मैथ्स के भी काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं कहने का मकसद

याद रखिएगा आपको ओ लेवल्स ए लेवल्स और इंटर की मैथ्स तीनों की आपको कुछ कुछ टॉपिक्स हर एक से करने होंगे उसी से आपका इंशाल्लाह पूरा मैथ्स का पोर्शन निकल जाएगा अगर हम बीबीए की की मैथ्स बात करें तो भाई बीबीए की जो जो मैथ्स मैथ्स होती होती है और CS की जो होती है और सीएस की तक हंड्रेड परसेंट तमाम चीजें सिमिलर है बस सी एस की मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा या कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं वरना बाकी सारी चीजें वही है जो आपके पास बीबीए की मैथ्स में भी होती है तो सीएस मैथ्स और बीबीए मैथ्स में वाइड डिफरेंस क्या है कि सीएस की मैथ्स में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात

मैथ्स में अच्छा वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है देखो वर्ड प्रॉब्लम्स की काफी सारी टाइप्स होती है फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स हो गए आपके पास रूट्स इंडेसेस के हो गए आपके पास बेसिक अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स हो गए ये सारी मेंटल मैथ्स है तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि भैया आपके पास सिंपल मेंटल मैथ्स हो गई आपके पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करें प्राइम नंबर ऑड नंबर्स की हो गई आपके पास इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स की कंसेक्यूटिव नंबर्स की हो गई आपके पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करें इंग्लिश टू मैथ्स हो गई आपके पास स्पीड के या मोशन के प्रॉब्लम्स हो गए हमारे पास सिंपल तरीके से uh, uh,

सिंपल तरीके से अलग अलग करे मोशन के प्रॉब्लम्स आ गए इंग्लिश टू मैथ्स आ गई आपके पास सिंपली वर्क टेन के क्वेश्चंस आ गए तो ये बेसिक सारी चीजें जो कि यहाँ पे पूछी जा रही होंगी मीन मॉड मीडियम के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे तो ये वर्ड प्रॉब्लम का जो पार्ट है ये फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट पोर्शन टोटल में से कवर कर रहा होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अच्छा इसके ऊपर बताया अपलोड करी भी तो आपको सेकंड नंबर के ऊपर बाकी जितने भी होते हैं है के के uh, बहुत दफा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन इंपॉर्टेंट है का concept, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरमीडिएट के अंदर होता था पहले बोर्ड uh, के अंदर बाद में रिमूव कर दिया अब सेट्स के, के आ रहा होता है, इंटर साथ ही मर्ज बेसिकली आपके पास कंपोजिशन टेबल एंड On, उसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोबेबिलिटी कंबिनेशन परमोटेशन यानी कि काउंटिंग टेक्निक्स ये एक बहुत कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा आईबी में आता है अगेन अगर मैं इसको बोलूँ तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि टेन टू ट्वेल्व परसेंट पेपर इन दो टॉपिक से बनकर आ रहा था सीक्वेंस सीवेंस इनसे कम्बिनेशन एंड एंडोटेशन से जिसको काउंटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं टिकोनोमेट्री बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं अच्छा ये ज्योमेट्री दोनों तरह की होती है इसमें कॉर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन स्लोप के क्वेश्चन सारे भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अलावा इस ज्योमेट्री के अंदर फिगर रिलेटेड क्वेश्चन भी शामिल होते हैं कि भाई एंगल एक यहां पर है दूसरा कहां पर होगा जो नॉर्मल आपके पास ज्योमेट्री होती है अच्छा देन फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके

प्लेलिस्ट को आपने घोल के पी जाने इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हुए सारे कहीं ना कहीं लिंक करने हैं आपके पास आईबीए की सेबिस्ट की सीबीएम की मैथ्स से ये बीकेट मैथ्स के मायने ये होते हैं बिजनेस कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट तो इस मैथ्स के अंदर जितनी वीडियोज हैं सारी की सारी वो आईबीए मैथ्स को कवर कर रही है बेसिक मैथ्स को यानी कि आप सिंपल बीबीए के पार्ट को एसीएफ के पार्ट को इजिली आराम से निकाल सकते हो अच्छा अब बहुत दफा कुछ दफा ऐसा भी हुआ है मेरे प्यारे शागिर्दों में अगेन बता देता हूं कि मेट्रिकिस का क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछ लिया गया कुछ दफा ऐसा भी हुआ है कि बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन भी जो कि ज्यादातर सीएस के अंदर सीएस मैथ्स में पूछा जाता है बट वो बीबीए की मैथ्स में आया हुआ है तो अगेन आईबीए हैज एज दी कंप्लीट राइट कि इसके अंदर मेट्रिक्स का पोर्शन डाल दे इसके अंदर आपके पास सिंपल अल्लाह भला बल्ला बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन डाल दे क्योंकि वो भी बेसिक मैथ्स से लिंक कर रहा है उसका इंजीनियरिंग मैथ्स से ताल्लुक नहीं है तो वो भी आपके आ रहे होते हैं वैक्टर का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ सकता है आपके पास बट अगेन कम आया है

क्या होते हैं जरा वो शेयर कर दीजिए देखो सीएस मैथ्स के अंदर तमाम मैथ्स के टॉपिक्स यही रहते हैं बस कुछ एडिशनल टॉपिक्स आ जाते हैं एडिशनल टॉपिक्स क्या होते हैं देखो लिमिट्स लिमिट्स आपके पास एक इंपॉर्टेंट थीम कॉन्सेप्ट है लिमिट्स का टॉपिक बहुत आएगा सीएस मैथ्स के अंदर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत आएगा आपके पास सीएस मैथ्स के अंदर ये एडिशनल टॉपिक है आपको सीएस के लिए ये सारे टॉपिक्स को तो कवर करने ही करने हैं इंटीग्रेशन आपको कवर एक्स्ट्रा करना है डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर इसका एक और नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि इंटर के अंदर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ भी कहते हैं इसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है

यार आपको ये एडिशनल मैथ्स के टॉपिक्स को कवर अप करना है आपने ये वाले मैथ्स के टॉपिक्स तो अपने बीबीए में कवर अप करे हुए थे ना और अगर इनमें से कोई टॉपिक नहीं कवर किया हुआ था तो ऑब्वियसली सबसे पहले उसको भी कवर करना है मगर इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा तरीके से कवर करना है तो एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वो राउंड वन फेल हो गया अगर मैं आप सीएस के लिए अप्लाई करूं तो कैसे सीएस की तैयारी करूंगा बेटा सीएस की तैयारी करने के लिए जो भी आपकी पिछली तैयारी है उसको बस थाउजेंड टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और मेहनत से कैसे कि यार आपने पहले इन टॉपिक्स की कुछ ना कुछ तैयारी तो करी हुई थी ना और अगर इनमें से आपने किसी टॉपिक को स्किप करा हुआ तक तो खुदारा अभी टाइम है दिन रात मेहनत करके आपको इस सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगे से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले अच्छा इनकी प्रैक्टिस करने के मैंने प्रैक्टिस मटेरियल भी बहुत सारे डाले हुए आपको सिंपल नीचे में स्टडी मटेरियल ड्राइव का लिंक दे दूंगा मगर अगर, अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 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 मैंने लेक्चर में जितने क्वेश्चन करवाए हुए उनको तरीके से समझ के उनकी तरीके से प्रैक्टिस कर लो उसके पीछे रीजन ये बेटा सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के हैं तो मोस्ट प्रोबली वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इसी तरीके से अगर मैं सी मैथ्स की बात करूं देखो मुझे मालूम है यार एक हफ्ते का टाइम है दो हफ्ते का टाइम है और फिर आपके पास सी मैथ्स का आईबी

गो फॉर इज रॉन्ग इन अगर आप ईयर गैप भी लेते हो अगर आपको लगता है कि आप IB ही जाना चाहते IB ही ड्रीम है, तो गो फॉर मारनी है छोटी सी बात जो मैं आप तमाम लोगों से काइंडली कहना चाहूंगा कि राउंड नंबर वन फेल हुआ है तो काइंडली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो इधर कम नंबर लेकर आए हैं फेल हुए कोई इशू की बात नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपसे अपनी बात सिर्फ इसलिए शेयर करूं कि आपको उससे कोई सबक मिल सकता हो तो बेटा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जो राउंड वन में रिलेटिवली बहुत कम नंबर लेकर आते हैं इधर इंग्लिश पूरा उड़ा के अपना आ जाती हैं मैथ्स पूरा उड़ा के आ जाते हैं और फिर राउंड टू में जब वो सेकंड राउंड में होते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस होता है उनके पास एक बेसिक पैटर्न uh, होता है उनके जहन के अंदर आई बी ए ने किस तरीके से uh, टेस्ट लिया था वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो चुके होती हैं वो उस एटमोसफियर को फिर इजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं फिर उनपे

प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के आर्मी चीफ के एंड सो ऑन तो वो एक आईक्यू का बेसिक क्वेश्चन होता है उसके ऊपर सारी पीडीएफ फाइल्स आपको आ, मेरे पास अल्लाह भला करे ड्राइव के अंदर से मिल जाएंगी इंशाल्लाह तो यहीं पे इस क्लास को बस एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ इस खैरियत के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे आई होप कि आप आईबीए को क्रैक कर सकें एज कर सकें उसके एग्जाम को और मुझे प्राउड फील करवाएं और उन हज़ारों बच्चों के अंदर अपना नाम शामिल करें जो किस्मत बदलने के लिए आई भी जाते हैं और इनशाला बहुत से बच्चे किस्मत बदलते भी हैं अपनी तो मैं चा, चाहूंगा कि इन कभी जिंदगी में मुलाकात हो तो आप मुझे फखरिया तौर पर बता सकें कि आपका आई में एडमिशन हुआ था एंड सर यू आर द रीजन फॉर देट पर्टिकुलर थिंग मेरे लिए सबसे बड़ा फखर का मुकाम होगा मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा जजाक अल्लाह थैंक यू सो मच हाशन जिया साइनिंग ऑफ